यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची हुई है। सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े कई पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। इस दौरान एक न्यूज़पेपर क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर के मुताबिक मायावती ने भाजपा को समर्थन देने की बात कही। ये क्लिप शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि भाजपा और बसपा एक ही है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण राजभर ने भी ये न्यूज़पेपर क्लिप शेयर की। बता दें कि सपा और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ब्रॉडकास्ट का एक स्क्रीनशॉट भी वायरल है, जिसमें इस तरह की खबर दिख रही है। तो क्या वाकई में मायावती ने आगामी चुनाव से पहले भाजपा का समर्थन देने की बात कही है? मायावती के हवाले से दिए गए बयान के बारे में सर्च करते हुए ऑल्ट न्यूज को साल 2020 की कुछ रिपोर्ट्स मिली। लाइव हिंदुस्तान ने रिपोर्ट किया था कि यूपी राज्यसभा चुनाव से पहले मायावती ने बसपा के 7 बागी विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया था। इन विधायकों पर पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार के खिलाफ बगावत करने का आरोप था। आर्टिकल में बताया गया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सपा को हराने के लिए बसपा पूरी ताकत लगा देगी, चाहे विधायकों को बीजेपी समेत किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को वोट क्यों ना देना पड़ जाए। इस बयान पर उस वक्त काफी बवाल हुआ था। इसके बाद मायावती ने एक और बयान देते हुए कहा कि बसपा ने भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। मायावती ने कहा था कि ये बयान उन्होंने सिर्फ सपा को हराने के लिए दिया था। उनके बयान का मतलब ये था कि सपा को हराने के लिए चाहे किसी भी विरोधी पार्टी को वोट दे, लेकिन सपा को वोट ना दे। यानी मायावती ने साल 2020 में 7 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर करते हुए बयान दिया था कि सपा को हराने के लिए अन्य किसी पार्टी को वोट दे, चाहे तो भाजपा को भी वोट दे, लेकिन सपा को हराए। इस पुराने बयान को हाल में सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बसपा और भाजपा के एक ही होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक भाजपा और मायावती के बीच कोई गठबंधन होने की खबर नहीं है।